हाँ तो नमस्कार मेरे साथियों, टीजे सर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे और आज जो पढ़ने जा रहे हैं हम प्यारे दोस्तों, सिरोही का इतिहास के बारे में पढ़ाई। सिरोही का चौहान वंश, किसके बारे में चर्चाएं करेंगे भाई? सिरोही के चौहान वंश के बारे में चर्चाएं करने जा रहे हैं। चलेगा प्यारे दोस्तों, कहाँ की बात कर रहे हैं? सिरोही, सिरोही का चौहान वंश। चौहान, सिरोही का चौहान वंश, और चौहान वंश कहा जाता है प्यारे दोस्तों। सिरोही की लोकेशन देखी जाए तो प्यारे साथियों, सिरोही की जो लोकेशन देखी जाए कि आपके राजस्थान में, इस तरीके आपका राजस्थान है, राजस्थान में ये वाला क्षेत्र सिरोही के अंतर्गत रखा जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है प्यारे दोस्तों, ये कौन सा है? सिरोही के नाम से जाना जाता है प्यारे दोस्तों। यहाँ पर सिरोही के नाम से जाना जाता है। तो लोकेशन देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर चौहान राजवंश की बात करें तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर चौहान राजवंश की स्थापना जो की जाती है लुम्बा के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है भाई? लुम्बा के द्वारा 14वीं सदी में की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? लुम्बा के द्वारा चौहान शाखा की स्थापना की जाती है। और चौहान शाखा यहाँ पर क्यों स्थापित प्यारे दोस्तों, देखिएगा, यहां पर देखने को मिलता है कि यहां पर चौहानों की देवड़ा शाखा है। कौन सी? चौहानों की देवड़ा। कौन सी प्यारे दोस्तों? देवड़ा शाखा देखने को मिलती है। कौन सी शाखा देखने को मिलती है? देवड़ा शाखा देखने को मिलती है। यहाँ के इस चौहान वंश की स्थापना, चौहान सिरोही के चौहान वंश की स्थापना, सिरोही सिरोही के चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश की स्थापना, वंश की स्थापना स्थापना लुम्बा के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? लुम्बा के द्वारा, लुम्बा द्वारा की जाती है, की जाती है, ठीक है। अर्थात लुम्बा किसकी स्थापना करता है? सिरोही राजवंश में, या सुरे सिरोही के चौहान वंश की स्थापना करने का श्रेय लुम्बा को दिया जाता है। लुम्बा के द्वारा कहा जाता है कि इसकी स्थापना कर दी जाती है। लुम्बा को इसका मूल पुरुष या आदि पुरुष माना जाता है। क्या माना जाता है? लुम्बा को, इस वंश का लुम्बा को प्यारे दोस्तों, किसको? लुम्बा को। किसको? लुम्बा को इस वंश का, इस वंश का, या सिरोही के चौहान वंश का लुम्बा को, सिरोही का, सिरोही लुम्बा को, सिरोही सिरोही के चौहान वंश का, के सिरोही के चौहान वंश, चौहान वंश का आदि पुरुष, आदि पुरुष या मूल पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक माना जाता है, ठीक है, संस्थापक माना जाता है, माना जाता है। इसका संस्थापक कौन है भाई? सिरोही के जो चौहान वंश है उसका संस्थापक को माना जाता है, लुम्बा को माना जाता है। लुम्बा के द्वारा कहा जाता है 14वीं सदी, तब की बात करें प्यारे दोस्तों, 14वीं सदी में, बात करें 14वीं सदी में इसकी स्थापना की जाती है। ये माना जाता है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कहां पर, किसके ऊपर? जालौर के ऊपर आक्रमण किया था, और अलाउद्दीन खिलजी के जालौर आक्रमण के दौरान प्यारे दोस्तों कुछ लोग निकलकर यहां पर आकर बस गए। पश्चात काफी समय पश्चात धीरे 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 इन्होंने अपना क्या किया, अस्तित्व बनाना प्रारंभ किया। तो कालांतर में 14वीं सदी में जाके उनके वंशज एक आए, लुम्बा देवड़ा, और लुम्बा देवड़ा के द्वारा कहा जाता है कि इसकी स्थापना की जाती है, स्थापना की जाती है, चौहान वंश की स्थापना जो कहाँ का, सिरोही का माना। ये जालौर से आए थे, कहाँ से आए थे ये, कहाँ से आए थे भाई? सिरोही के जो है, सिरोही का चौहान, ये जालौर से आए थे। कहाँ से आए थे? जालौर आए थे, ठीक है। कहां से आए थे? जालौर से आए थे। यहाँ के जो चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं, ये कहां से प्रारंभ हुआ था? यहां से, जालौर से आए। कालांतर में इनके जो वंशज होते हैं प्यारे दोस्तों, रायमल, इनके वंशज रायमल चौहान होते हैं, ये लुम्बा के वंशज माने जाते हैं, के वंशज माने जाते हैं, लुम्बा के वंशज माने जाते हैं। कुछ पीढ़ियां बाद ये रायमल चौहान वंश का शासक माना जाता है, बनता है। 14वीं शताब्दी में ये शासक बनता है,
कब बनता है भाई? 14वीं शताब्दी में ये शासक बनता है। किसके पश्चात लुम्बा के वंशज के रूप में ये शासक बनता है? रायमल चौहान। किसकी बात कर रहे हैं? रायमल चौहान, रायमल चौहान की बात कर, रायमल चौहान की बात करें तो ये किसके? लुम्बा के वंशज थे। किसके वंशज थे प्यारे दोस्तों? ये लुम्बा के वंशज थे। किसका? लुम्बा, लुम्बा का वंशज था, लुम्बा का वंशज था कौन? रायमल चौहान, रायमल चौहान, रायमल चौहान रूमल का वंशज माना जाता है। ये लुम्बा का वंशज माना जाता है। कालांतर में चंद्रावती को, चंद्रावती जो सिरोही में पड़ती है प्यारे दोस्तों, आबू का नाम प्राचीन समय में चंद्रावती हुआ करता था, या इस क्षेत्र को चंद्रावती के नाम से जाना जाता। चंद्रावती के ऊपर बार बार आक्रमण किए जाते थे। किसके ऊपर? चंद्रावती के ऊपर कहा जाता है कि बार बार आक्रमण किए जाते थे, और बार बार आक्रमण किए जाने के पश्चात क्या कंडीशन होती है इस क्षेत्र पर? आक्रमण होते थे क्योंकि यहां पर गुजरात जो क्षेत्र था भाई, हमने देखा कि इसकी जो लोकेशन पड़ती थी दोस्तों इस तरीके से, ये वाला राजस्थान का ये वाला भाग था, ये सिरोही कहलाता था। इधर से जो भी आता था, इधर से जो भी आता था, इधर से जो भी आता था, वो ये वाला गुजरात क्षेत्र में जाता थे, तो कहा जाता है यहां से होकर गुजरना पड़ता था। कहां से होकर गुजरना पड़ता था? सिरोही से होकर गुजरना पड़ता था, और सिरोही यानी कि चंद्रावती से होकर गुजरना पड़ता था। इस कारण कई बार यहां पर लूटपाट मच जाया करती थी। लूटपाट होने के कारण प्यारे दोस्तों यहां पर कई प्रकार की सेनाएं, जो गुजराती सेना, या फिर बात करें तो दिल्ली की सेना, मुगल साम्राज्य की सेना, इस प्रकार से सेनाएं आवागमन का रास्ता यही था। इस कारण कई बार यहां पर चंद्रावती पर आक्रमण किया जाता है। आक्रमण करने की वजह क्या है कि ये मार्ग में पड़ता था। जब ये क्षेत्र मार्ग में पड़ता था, यानी कि आवागमन के मार्ग में पड़ता था, तो कहा जाता है कि कई बार इसने लूट का सामना किया या फिर आक्रमण का सामना किया, और आक्रमणों का सामना करने के बावजूद प्यारे दोस्तों क्या कंडीशन होती है कि यहां पर आक्रमण कई बार हुए, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, चंद्रावती, 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 चंद्रावती पर कई बार आक्रमण हुए, आक्रमण हुए, क्योंकि ये, क्योंकि यह गुजरात जाने के मार्ग में स्थित था, जाने के मार्ग में स्थित था। कहाँ था? गुजरात जाने के मार्ग में स्थित होने के कारण कई बार इसने आक्रमणों का सामना किया। इसके पश्चात जो इस चंद्रावती के अन्य नाम भी देखने को मिलते हैं, अर्बुद प्रदेश, क्या देखने को मिलते हैं? अर्बुद या अर्बुदाचल, चंद्रावती का अन्य नाम देखें, क्या चंद्रावती, चंद्रावती के अन्य नाम, अन्य नाम क्या मिलते हैं प्यारे दोस्तों? अर्बुदाचल, अर्बुद, क्या अर्बुदाचल, ये इसके अन्य नाम देखने को मिलते हैं। अर्बुदाचल, अर्बुद प्रदेश, ये इसके अन्य नाम देखने को मिलते हैं। और कहा जाता है प्यारे दोस्तों 1823 में यहाँ के शासक शिव सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। 1823 में कालांतर में बात करेंगे हम, 1823 में तो शिव सिंह हुआ था यहाँ का शासक, तो आगे चलकर अंग्रेजों से सहायक संधि कर लेता है, और संधि के तहत कहा जाता है कि अपनी सुरक्षा का जो जिम्मा है वो अंग्रेजों को सौंप देता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। 1311 में आबू या चंद्रावती पर परमारों की राजधानी थी, और परमारों से छीन कर स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, और कहा जाता है चंद्रावती को इसने पैर दोस्तों रायमल ने, रायमल ने अपनी राजधानी 1311 से पहले अब की बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, 1311 से पहले, 1311 से पहले चंद्रावती, चंद्रावती परमारों की राजधानी थी, परमारों, परमारों की राजधानी हुआ करती थी, राजधानी
1311 के पश्चात कहा जाता है कि चंद्रावती या आबू को जीतकर परमारों से छीनकर इसे स्वतंत्र राज्य बनाया गया 1311 में से परमारों से छीनकर चंद्रावती को राजधानी बनाया चंद्रावती को छीन लिया जाता है परमारों से और परमारों से छीन इसकी सिरोही की राजधानी बना दी जाती है सिरोही की राजधानी बना दी जाती है और कहा जाता है प्यारे दोस्तों तो लुम्बा हुआ था लुम्बा के द्वारा कहा जाता है यहाँ पर एक मंदिर माना जाता है अचलेश्वर और महादेव का मंदिर सिरोही में बना हुआ है सिरोही के जो कहा जाता है कि अचलेश्वर दुर्ग वहां बना हुआ है और इस अचलेश्वर दुर्ग का निर्माण यहाँ पर अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण परमारों द्वारा करवाया गया था इसके पश्चात पर दोस्तों कहा जाता है कि इसमें अचलेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ अचलगढ़ दुर्ग में जो मंदिर बना हुआ है वहां पर शिवलिंग के स्थान पर जो पूजा की जाती है कि वहां पर एक भगवान शिव के अंगूठे का खड्डे की पूजा की जाती है और कहा जाता है इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने का या निर्माण करवाने का कार्य लुम्बा के द्वारा करवाया गया। यहाँ पर अचलेश्वर महादेव का मंदिर जो बनवाया गया था वो किसके द्वारा? लुम्बा के द्वारा बनाया गया। ऐसी मान्यता है कि लगभग 1320 के आसपास लुम्बा ने यहाँ पर अचलेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया था और कालांतर में आगे लुम्बा आएगा जो इसका जीर्णोद्धार करवाता है किसका? पूरे अचलगढ़ दुर्ग का। और यहाँ पर जो है कि किसकी पूजा की जाती है शिवलिंग के स्थान पर किसकी? भगवान शिव के अंगूठे के खड्डे की पूजा की जाती है। तो कहाँ पर की जाती है प्यारे दोस्तों? अचलेश्वर मंदिर में। कहाँ पर? सिरोही। कालांतर में कहा जाता है कि यहाँ से कुछ सेना गुजर रही थी, गुजरने के पश्चात यहाँ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगे हुए थे। उन छत्तियों ने कहा जाता है कि सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस मंदिर को तोड़ने के लिए सेना आई हुई थी और सेना आती है तो कहा जाता है उसके ऊपर मधुमक्खियों का आक्रमण कर दिया जाता है। आक्रमण कर देने के पश्चात क्या होता है प्यारे दोस्तों कि इसे भंवरा तल के नाम से जाना जाता है। भंवरों के द्वारा इस यहाँ की सेना को खदेड़ दिया गया, इस कारण इस स्थल को भंवरा तल के नाम से भी जाना जाता है। तो कहाँ पर पड़ता है? अचलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? अचलगढ़ दुर्ग में सिरोही में माना जाता है। इसका निर्माण किसके द्वारा? लुम्बा के द्वारा करवाया गया, लगभग 1320 के आसपास करवाया गया। कब करवाया गया था भाई? तो यहाँ पर अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में। यहाँ पर विशेष ध्यान रखना, नोट लगा कर लिख लेना, अचलेश्वर मंदिर का निर्माण लुम्बा ने करवाया। ठीक है, क्या कहानी? मैंने कहानी आपको सुना दी पीरी की पीरी। किस प्रकार से इसी खड्डे को ब्रह्म खड्डा भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? ब्रह्म खड्डा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा। इसी के पास एक मंदिर और बना हुआ है जिसे ऋषि मंदिर भी कहते हैं। इसी के पास एक तो अचलेश्वर मंदिर और एक ऋषि मंदिर, ये भी ध्यान रख लेना। ये दोनों लुम्बा के द्वारा ऋषि मंदिर और इन दोनों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था भाई? लुम्बा के द्वारा करवाया गया था। कहाँ पर? अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर? सिरोही में। कहा जाता है पारे दोस्तों कि ये लुम्बा के द्वारा या लुम्बा चौहान के द्वारा करवाया गया था। आगे चलकर इनका जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर शिवमान सिंह बनता है प्यारे दोस्तों, चौहान शासक बनता है। इसके पश्चात यहाँ पर जो जानकारी मिलती है शिवमान चौहान की जानकारी मिलती है
लेकिन इसके बारे में ज़्यादा विशेष जानकारियां नहीं मिलती, कुछ जानकारियां मिलती मैं बता देता हूं आपको प्यारे दोस्तों। इसमें यहां पर पड़ती सरवणा, सरवणा की पहाड़ी पड़ती सिरोही में, सरवणा की पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया। त्युमान ने सरवणा की पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया और निर्माण करवाने के पश्चात प्यारे दोस्तों यहां पर कहा जाता है शिवपुरा कस्बा भी बसवाया, एक दुर्ग का निर्माण करवाया और शिवपुरा कस्बा बसाया। कौन सी वाली पहाड़ी पर? तो सरवणा की पहाड़ी पर दुर्ग का निर्माण करवाया, दुर्ग का निर्माण करवाया, ठीक है। और यहीं पर क्या शिवपुरा, शिवपुरा कस्बा बसाया, कस्बा बसाया। कौन सा कस्बा बसाया भाई? शिवपुरा कस्बा। बसाने का श्रेय इसी को दिया जाता है के? पूरा कस्बा बताया जाता है किसके द्वारा भाई? ये लगभग 1405 की बात, कब बसवाता है भाई? 1405 ईस्वी में शिवपुरा कस्बा बसाता है। इसके बाद जो शासक है प्यारे दोस्तों दशमल चौहान, या जिसे दशमल देवड़ा कहा जाता है प्यारे साथियों, दशमल चौहान यहाँ का शासक बनता है इसके पश्चात। और दशमल चौहान जो शिवपुरी, शिवपुरी या शिवपुरा जो इसके द्वारा बसाया जाता है प्यारे दोस्तों, तो स्वास्थ्य के हिसाब से, इसके हिसाब से प्यारे दोस्तों स्वास्थ्य के हिसाब से अशुभ मान लेता है। क्या मान लेता है? स्वास्थ्य के हिसाब से अशुभ मान लेता है। और अशुभ मानने के कारण कहा जाता है कि ये उचित न समझ, स्वास्थ्य के हिसाब से उचित न समझकर इसके स्थान पर एक स्थान या एक नगर की स्थापना करता है और अपने नाम पर इसका सहसमल के नाम पर इसका नाम सिरोही रखता है। क्या रखता है भाई? सिरोही रखता है। तो यहां पर सहसमल की बात करें, सहसमल देवड़ा, सहसमल देवड़ा चौहान। और सहसमल की बात करें प्यारे दोस्तों, ये शिवपुरी को, यह शिवपुरी को या शिवपुरा को स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, दृष्टि से अशुभ मानता है। अशुभ, स्वास्थ्य खराब होता रहता है यहां पर, अशुभ मानता है। कारण एक नया नगर सिरोही बसाता है, सिरोही बसाया। कौन सा नगर बसाया भाई? सिरोही नगर की स्थापना करता है या सिरोही नगर बसाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कहा जाता है उचित नहीं मानता, स्वास्थ्य के तौर पर उचित नहीं मानता या अशुभ मानता है। और इसी कारण कहा जाता है कि ये नए नगर सिरोही को बसाने का कार्य करता है और अपनी राजधानी भी सिरोही को बनाता है। अपनी राजधानी, राजधानी भी किसको बनाता है भाई? राजधानी सिरोही को बनाता है, राजधानी सिरोही को बनाता है। किसको बनाता है? राजधानी भी सिरोही। इस रूप से ध्यान, सिरोही को राजधानी बना लेता है। इसके समय ही मेवाड़ के महाराणा कुंभा का शासन था। समय यहां पर कहा जाता है कि मेवाड़ में महाराणा कुंभा का शासन था। और महाराणा कुंभा के शासन के समय कुछ क्षेत्रों पर आपको पता है प्यारे दोस्तों, जब सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, जब राणा सांगा उधर बीजी था, और उसी दौरान कहा जाता है कि सहसमल देवड़ा उसके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। अधिकार कर लेने के पश्चात प्यारे दोस्तों कि राणा कुंभा अपनी सेना भेजकर इसके पुनः क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। किसके? सहसमल देवड़ा के। सहसमल देवड़ा के साम्राज्य को या राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेता है, मेवाड़ साम्राज्य में मिला लेता है। कौन? महाराणा कुंभा। आपको पता है कि इतिहासकार मानते हैं कि कुतुबुद्दीन शाह था गुजरात का शासक,
गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह का सहयोग करता है यह युद्ध के दौरान। किस युद्ध के दौरान पर दोस्तों? कुतुबुद्दीन शाह का युद्ध के दौरान सहयोग करता है। सहयोग करने के पश्चात कहा जाता है प्यारे दोस्तों, कंडीशन ये होती है कि उसका सहयोग करने के कारण महाराणा कुंभा के साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। महाराणा कुंभा से ये बता लेना चाहता, कारण ये कंडीशन होती है कि उसके कई गांवों पर ये अधिकार कर लेता है पहले। और जब इसका पता किसको लगता है? महाराणा कुंभा को लगता है। और कुंभा को लगते ही वो अपनी सेना भेजकर और पुनः अधिकार कर लेता है, पर अधिकार कर लेता है महाराणा कुंभा की जो है सिरोही पर अधिकार जमा लेता है। इसके समय मेवाड़ का शासक, तो बात करें प्यारे दोस्तों मेवाड़ का शासक इसके समय कौन? मेवाड़ का शासक कुंभा था। कौन था भाई? कुंभा था, महाराणा कुंभा था। कुंभा अपनी सेना भेजकर सिरोही पर अधिकार कर लेता है, सिरोही पर अधिकार कर लेता है, कर लेता है। तो सिरोही पर अधिकार कर लेता है। तो इस समय कुंभा के टाइम पर जो सिरोही है मेवाड़ का भाग बन जाता है, हिस्सा बन जाता है, सिरोही का भाग बन जाता है। और ऐसी मान्यता है कि यहां पर कुंभा ने नरसिंह डोडिया के नेतृत्व में सेना भेजी थी। सेना किसके नेतृत्व में? नरसिंह डोडिया के नेतृत्व में सेना भेजी थी। और सेना भेजने के पश्चात ये किस पर अधिकार कर लेता है भाई? सिरोही पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त कर लेता है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा अचलगढ़ दुर्ग और अचलगढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाता है। क्या करवाता है भाई? महाराणा कुंभा सिरोही के अचलगढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाता है। और यहां पर कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाता है। मंदिर का निर्माण भी करवाया कहां पर? सिरोही के दुर्ग में या अचलगढ़ दुर्ग में? कहा जाता है अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाता है सिरोही में। इसमें कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण भी करवाता है महाराणा कुंभा। इसके पश्चात जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों लाखा देवड़ा, 1451 में गद्दी पर बैठता है। और लाखा देवड़ा पावागढ़ गुजरात के काली माता की मूर्ति लाकर सिरोही में स्थापित करवाता है। इसके बाद कौन शासक बनता है? लाखा देवड़ा। कौन बनता है? लाखा देवड़ा शासक बनता है प्यारे दोस्तों। और लाखा देवड़ा जो है 1451 के आसपास ये शासन स्थापित करता है। गद्दी पर कब बैठता है? 1451 में। और 1451 ईस्वी में कहा जाता है किसकी मृत्यु हो जाती है? 1451 ईस्वी गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठता है प्यारे दोस्तों। अब कंडीशन क्या होती है कि ये गुजरात पावापुरी से, कहां पर? पावागढ़ गुजरात से। कहां से प्यारे दोस्तों? पावागढ़ गुजरात से काली माता की मंदिर की या काली माता की प्रतिमा लेकर आता है। और काली माता की प्रतिमा को लाकर कहां पर स्थापित करवाता है? सिरोही के दुर्ग में स्थापित करवाता। सिरोही के दुर्ग में स्थापित करवाने का श्रेय इसी को दिया जाता है। लाखा नाव तालाब का निर्माण भी करवाता है कहां पर? सिरोही में। लाखा नाव तालाब का निर्माण भी सिरोही में करवाया जाता है। इसी के साथ बात करें तो कहा जाता है कि इसने गुजरात के या मांडू के सुल्तान के साथ मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण भी किया। गुजरात या मांडू का जो सुल्तान था
साथ मिलकर किसके ऊपर आक्रमण किया था? मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया, याद आ जाना चाहिए भाई, बदनोर भीलवाड़ा का युद्ध। और बदनोर भीलवाड़ा का जो युद्ध है प्यारे दोस्तों, 1457 होता है। कब होता है? 1457 में। आपको पता है कि गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह था, और मांडू यानी मालवा का शासक कौन था भाई? मोहम्मद खिलजी प्रथम, मोहम्मद खिलजी प्रथम था। दोनों ने एक संधि की थी, चंपानेर की संधि। कौन सी संधि की थी भाई? चंपानेर की संधि के तहत दोनों के बीच में संधि होती है, चंपानेर की संधि। और चंपानेर की संधि के बाद बात करें प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि दोनों की संयुक्त सेना मिलकर किसके ऊपर आक्रमण करती? कुंभा के ऊपर आक्रमण करती। कुंभा के ऊपर आक्रमण करने के लिए आतुर होती है, और उसी समय चाय पानी पिलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? लाखा देवड़ा को दिया जाता है। और ये लाखा देवड़ा किसके सहयोग करता है? कुतुबुद्दीन की सेवा, कुतुबुद्दीन की सेना का सहयोग करता है, और उनके साथ मिलकर इसने भी आक्रमण किया था। और कारण यही माना जाता है कि महाराणा कुंभा ने पहले दशमलव देवड़ा के टाइम पर मेवाड़ को का हिस्सा बना लिया था सिरोही। अब ये अपने आप को स्वतंत्र राजा तो घोषित नहीं किया था, उसी के चक्कर में कहा जाता है कि ये लाखा देवड़ा अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए उनका सहयोग करता है। इनका सहयोग करता है कुतुबुद्दीन शाह, और किसका प्यार दोस्तों? मोहम्मद खिलजी प्रथम का, बदनोर भीलवाड़ा के युद्ध में। लेकिन विजय किसकी होती है? महाराणा कुंभा की विजय होती है। इसकी विजय होती है भाई, महाराणा कुंभा की विजय हो जाती है यहाँ पर। और महाराणा कुंभा की विजय हो जाने के पश्चात प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसके पश्चात इस युद्ध के बाद पुनः सिरोही पर महाराणा कुंभा अधिकार चल रहा है। क्या? महाराणा कुंभा पुनः सिरोही पर अधिकार कर लेता है, याद रखिए। तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, एक तो मैंने बताया आपको लाखा ने पावागढ़ गुजरात से लाकर कालिया कालिका माता के मंदिर का निर्माण करवाया था सिरोही में। लाखा देवड़ा पावागढ़ गुजरात से, पावागढ़ और कहां पड़ता है भाई? गुजरात में पावागढ़, गुजरात से काली माता की मूर्ति, मूर्ति सिरोही लाया था, लाया ठीक है। काली माता की मूर्ति कहाँ लाया था? सिरोही लाया था, और सिरोही लाकर यहां पर इसने इसका मंदिर बनवाया था। कहां पर? सिरोही में इसके मंदिर का निर्माण करवाया था, याद रखिए। लाखा ने लाखा ने लाखा लाखा लाओ तालाब का निर्माण करवाया, तालाब लाखा लाओ तालाब का निर्माण करवाया। ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, लाखा ने गुजरात गुजरात व मालवा की सेना सेना के साथ मिलकर सेना के साथ मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण किया था। किसके ऊपर आक्रमण किया था भाई? मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने का श्रेय दिया जाता है प्यारे दोस्तों। मेवाड़ की के ऊपर आक्रमण किया था उनके साथ मिलकर, चलेगा तो हो गया प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके पश्चात जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों, वो बनता है
जगमाल देवड़ा, जगमाल चौहान या जगमाल देवड़ा शासक बनता है, कौन बनता है? जगमाल देवड़ा। जगमाल देवड़ा शासक बनता है या जगमाल चौहान शासक बनता है कहां का? सिरोही। इसके बात करें तो ये मेवाड़ के महाराणा रायमल का साथ दिया था, इसका राम साथ दिया था, क्योंकि बहलोल लोदी के साथ जो युद्ध हुआ था उस समय रायमल का साथ देता, बहलोल लोदी के समय युद्ध के दौरान रायमल का साथ देता, का साथ देता है भी? रायमल का साथ देता है कौन? जगमाल देव। और जो युद्ध युद्ध हुआ था 1474 में, कौन सा युद्ध होता भाई? 1474 में ये युद्ध हुआ था, और अपनी मेवाड़ी सेना, मेवाड़ी रानी आनंदी बाई को परेशान करता था। क्या कंडीशन होती है? साथ दिया था इसने रायमल का, क्या साथ दिया था भाई? रायमल का साथ दिया था। तो रायमल ने, कहा जाता है, अपनी पुत्री आनंदी बाई का विवाह इस जगमाल देवड़ा से कर दिया। पत्नी कौन थी? रायमल, रायमल की बहन थी, रायमल की पुत्री जगमाल, सॉरी, रायमल की पुत्री आनंदी बाई का विवाह किसके साथ कर दिया था? के साथ कर दिया था जो पृथ्वीराज, उड़ना पृथ्वीराज, जिसे सिंह या इतिहास जगत में उसे पृथ्वीराज के नाम से जाना जाता है, उड़ता पृथ्वीराज के नाम से जाना जाता है भी? उड़ना पृथ्वीराज के नाम से जाना, उड़ना पृथ्वीराज के नाम से जाना जाता है। पर दोस्तों, तो इसकी बहन थी कौन सी? आनंदी बाई। इसका विवाह जगमाल देवड़ा के साथ होता है, मेवाड़ी रानी यानी कि मेवाड़ी राजकुमारी थी। अब कंडीशन क्या होती है कि ये परेशान करता है कौन? जगमाल देवड़ा अपनी पत्नी इसकी आनंदी बाई को परेशान करता है। तो ये पत्र लिखकर अपने भाई के पास रायमल के, कहा जाता है कि तीन पुत्र माने जाते हैं, एक तो संग्राम सिंह, पृथ्वी सिंह, और एक कहा जाता है जगमाल या जयमल तो माना जाता है। पर दोस्त, तो ये जयमल तो कहानी मैंने मेवाड़ के इतिहास में सुना दी भाई आपको, पश्चात इसकी बात करते सुना दी, पृथ्वीराज या उर्दना पृथ्वीराज जिसे कहा जाता है। अब कंडीशन क्या होती है कि ये परेशान करता है किसको? इसकी पृथ्वीराज की बहन को, इसकी रानी को। तो ये सूचना दे देती है पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज इसको समझाने के लिए आता है। उड़ना जो पृथ्वीराज, जिसे इतिहास जगत में पृथ्वीराज कहा जाता है, इसको समझाने के लिए आता है। और समझाने के लिए समझा कर जब जाता है तो समझा करने के लिए आता है तो भाई खाना वाना खाइए, सालाजी आए हैं, कसाला लगता था पृथ्वीराज, सालाजी आए तो खाना वाना खाइए, खाना वाना नहीं कि खाना वाना कुछ नहीं खाना की तो फिर क्या? अरे चाय पानी तो पीजिए, नहीं कि कुछ नहीं कि आप तो, ये बात है कि आज के बाद मेरी बहन को परेशान किया तो मैं इसको वापस बुला लूंगा और आपको दंड दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? दंड दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई, समझ में आ गई। तो जब ये जाने लगता है कौन, उड़ना पृथ्वीराज जी ऐसे, या पृथ्वीराज चौहान वापस, पृथ्वीराज वापस जाने लगता है। फिर दोस्तों, पृथ्वीराज वापस जाने लगता है तो कहा जाता है कि ये कुछ लड्डू बांध देते हैं। क्या? लड्डू बांध देता है और उनमें जहर मिला देता है कि ये लड्डू तो लेते जाओ, जब जाते जाते जा ही रहे हो तो भूखे जा रहे हो तो ये लड्डू ले जाओ बांधकर, रास्ते में खा लेना। और रास्ते में खा लेना तो कहा जाता है कि भूख लगेगी, से काफी लंबा चौड़ा रास्ता है। और उसी दौरान कहा जाता है पृथ्वीराज लड्डू खाता है, लड्डू खाने से मृत्यु हो जाती क्योंकि जहर मिला हुआ, मृत्यु हो जाती है भाई। उड़ना पृथ्वीराज या पृथ्वी कहा जाता है इतिहास जगत में, मृत्यु हो जाती है। और इसकी पत्नी ताराबाई थी, ताराबाई के नाम पर तारागढ़ दुर्ग, अजमेर का नाम तारागढ़ रखा गया था। तो ये इसकी पत्नी हुआ करती थी कौन? आनंदी बाई। और आनंदी बाई पृथ्वीराज की बहन हुआ करती थी, उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती। पर दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहां पर देता हूं मैं, जगमाल देवड़ा ने रायमल का, मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक रायमल, रायमल का सहयोग किया था, था बहलोल लोदी के खिलाफ, बहलोल लोदी
के बार दोस्तों, राइमल की पुत्री की पुत्री आनंदीबाई का विवाह आनंदी बाई का विवाह जगमाल देवड़ा से हुआ था। जगमाल देवड़ा देवड़ा ने पृथ्वीराज रायमल का पुत्र रायमल रायमल का पुत्र पृथ्वीराज की हत्या जहर देकर कर दी थी। हत्या कैसे की थी भाई? तो इसने जब वापस जा रहा था तो जहर देखने के कारण मृत्यु हो जाती है, लड्डू में जहर मिला दिया जाता है। विशेष रूप से ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। अब कंडीशन क्या होती है, इसने जालोर में सजीद खां को परास्त किया था। जालोर का जो था सजीद खां, उसको पराजित करने का कार्य भी किसके द्वारा किया गया था? इसके द्वारा, जगमाल देवड़ा के द्वारा किया गया। अखिराज के बाद जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों, अखिराज चौहान या अखिराज देवड़ा शासक कौन बनता है? इसके बाद अखिराज देवड़ा शासक बन जाता है। अखिराज की बात करें, कहां का? सिरोही का। अखिराज देवड़ा शासक बन जाता है और अखिराज देवड़ा के बारे में बात कहा जाता है कि ये धर्मनिष्ठ पराक्रमी शासक था। इसे उड़ना अखिराज भी कहा जाता है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि तेज धावक काल के कारण ये राज चौहान या पृथ्वीराज जो सांगा का भाई हुआ करता था, रायमल का पुत्र हुआ करता था, ये उतना पृथ्वीराज के नाम से जाना जाता है। ये भी तेज धावक युद्ध नीति के कारण कहा जाता है कि उड़ता ये अखिराज देवड़ा भी उड़ना अखिराज के नाम से जाना जाता है, उड़ना अखिराज के नाम से जाना जाता है। ये धर्म पराक्रमी शासक था। कैसा शासक था भाई? धर्म पराक्रमी या धर्म प्रेमी शासक। कौन सा शासक हुआ करता था? धर्म प्रेमी शासक हुआ करता था। ठीक है, चलिएगा इसे धर्म पराक्रमी या प्रेमी, धर्म प्रेमी शासक माना जाता है। इसे उड़ना अखेराज कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? उड़ना अखेराज भी कहते हैं। लोयाना के किले का निर्माण करवाया इसने। किले का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। लोयाना किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? भी राज के द्वारा ही करवाया जाता है। विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। और क्या देखे? अखिराज देवड़ा, आपको पता है कि खानवा का युद्ध होता 1527, और खानवा के 1527 के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ने के लिए गया। 1527 खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ने के लिए गया था। खानवा के युद्ध 1527 में सांगा की ओर से लड़ा, सांगा की और से लड़ा, सांगा की ओर से लड़ा था भाई। और कहा जाता है कि जब मालदेव और अखिराज देवड़ा के द्वारा जब राणा सांगा घायल हो जाता है तो उसको युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने का कार्य भी इनके द्वारा ही किया गया। मालदेव और अखिराज देवड़ा के द्वारा इनको राणा सांगा को यहाँ से ले जाकर कहाँ बसवा दोसा ले जाया गया था?
और वहां पर इसका उपचार करवाया चलेगा। 1533 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कब की? 1533 में इसकी मृत्यु हो जाती है किराज देवड़ा की। इसके बाद बात करें रायसिंह देवड़ा कौन बनता है, रायसिंह देवड़ा शासक बनता है, कौन बन जाता है भाई? इसके बाद रायसिंह देवड़ा शासक बनता है। रायसिंह देवड़ा के बारे में कहा जाता है कि ये भी धर्मप्रायण धर्मनिष्ठ शासक माना जाता है रायसिंह देवड़ा। और रायसिंह देवड़ा के टाइम पे कहा जाता है दोस्तों क्या, मेवाड़ मारवाड़ के शासकों की बहुत सहायता की इसने। भीनमाल क्षेत्र में जालोरी पठानों से युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो जाता है। भीनमाल के जालोर या भीनमाल के क्षेत्र में कहा जाता है कि पठानों से आक्रमण करते हुए या युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है। कौन प्यारे दोस्तों? रायसिंह देवड़ा। के बाद जो शासक बनता है सुल्तान देवड़ा शासक बनता है। कौन बनता है भाई? सुल्तान देवड़ा शासक बनता है, सुल्तान देवड़ा, सुल्तान देवड़ा शासक बनता है। और सुल्तान देवड़ा की बात करें प्यारे दोस्तों क्या कंडीशन है यहां पर देखने को मिलती है। इसके समय बीकानेर का महाराजा राय सिंह था और कहा जाता है कि सिरोही में रुके थे। यही सुल्तान देवड़ा है के बारे में कहा जाता है, आधा साम्राज्य बीकानेर के शासक को अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। यही सुल्तान देवड़ा है के बारे में कहा जाता है प्यारे दोस्तों। अकबर के टाइम पर प्यारे दोस्तों क्या कंडीशन होती है? महाराणा प्रताप का भाई जगमाल जो राणा प्रताप को राज्याभिषेक हो जाने के कारण या राजा बना देने के कारण उदय सिंह जो थे प्रताप के पिता थे, प्रताप के पिता उदय सिंह के द्वारा किसको उत्तराधिकारी घोषित किया गया था? जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, लेकिन जगमाल राजा नहीं बन सका और प्रताप को वहां की जनता के द्वारा वहां के सरदारों द्वारा राजा स्वीकार किया प्रताप को, और जगमाल देवड़ा यहां से रुककर कहां चला जाता है? अकबर की सेवा में चला जाता है। और अकबर की सेवा में चला जाने के पश्चात क्या कंडीशन होती है प्यारे दोस्तों? अकबर की सेवा में रहता है और अकबर की सेवा में रहने के पश्चात यहां पर 1583 में कहा जाता है अकबर इसके ऊपर किसके ऊपर आक्रमण करता है? सुल्तान देवड़ा के ऊपर आक्रमण करता है। और सुल्तान देवड़ा के ऊपर आक्रमण करता है तो ये सेना भेजी जाती है तो जगमाल के नेतृत्व, इसके प्रताप का भाई जगमाल के नेतृत्व में कहां पर सेना भेजी जाती है? सुल्तान देवड़ा के खिलाफ सेना भेजी जाती है 1583 में। और यहां पर होता है दत्राणी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? दत्राणी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है भाई? दत्राणी का युद्ध होता है। और दत्राणी का युद्ध की बात करें प्यारे दोस्तों, दत्राणी का युद्ध होता है 1583, ठीक है? किस किस के? सुल्तान देवड़ा एक तरफ तो सुल्तान देवड़ा, ठीक है, वर्सेज अकबर की ओर से, वर्सेज अकबर, अकबर का सेनापति कौन था? सेनापति, और सेनापति कौन था प्यारे दोस्तों यहां पर? जगमाल। कौन? जगमाल प्रताप का भाई, ठीक है। इस युद्ध में सुल्तान देवड़ा विजय होता है। कौन विजय होता है युद्ध में? विजय कौन होता है भाई? सुल्तान देवड़ा विजय होता है। सुल्तान देवड़ा की विजय होती है और विजय होने के पश्चात प्यारे दोस्तों क्या कंडीशन होती है कि जगमाल इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाता है। क्या होता है? इस युद्ध में जगमाल वीरगति को प्राप्त हो जाता है और सुल्तान देवड़ा का यहां पर अधिकार, यानी कि अधिकार तो पहले से ही था, और प्यारे दोस्तों इसका एक, इसके साथ दूसरा आड़ा कौन, इसके साथ एक कवि आया था, कवि कौन आया था? कवि आया था दूसरा आड़ा, दूसरा आड़ा, कवि दूसरा आड़ा आया था इसकी ओर से, अकबर की सेना की ओर से आया था। यह भी कहा जाता युद्ध क्षेत्र में घायल होकर पड़ जाता। कौन? दूसरा। जब सुल्तान देवड़ा अपनी सेना को देखने के लिए जाता है युद्ध के बाद, जब विजय प्राप्त हो जाती है तो सुल्तान देवड़ा उसमें निरीक्षण करने के लिए जाता है कि भाई कौन कौन मरा और किस किस का अंतिम संस्कार करना है, तो वो देखने के लिए जाता है तो ये अंतिम सांसें गिन रहा था कौन? सुल्तान देवड़ा। और जो
कहा जाता है कि जो मुगल सेनापति सैनिक थे उनको सुल्तान देवड़ा के द्वारा काट दिया जा रहा था। और जब इसी ने जाकर देखा तो ये दुर्साड़ा भी घायल होकर पड़ा हुआ था, जिससे पता चला कि ये मारने के लिए आ गया है कि घायल होकर पड़ा हुआ था। तो ये हाथ जोड़कर उसे कहता है कि मैं चारण, क्या मैं चारण हूं। और कहा जाता है कि चारणों को राजाओं के द्वारा नहीं मारा जाता, चारणों और ब्राह्मणों भाट को इनको राजाओं के द्वारा नहीं मारा जाता था पहले दोस्तों। तो ये इसको मारते नहीं है, इसको उठाकर ले आते हैं। ले आने के पश्चात दुर्साड़ा का उपचार करवाते हैं। उपचार करवाने के पश्चात ये सुल्तान देवड़ा के राज दरबार में कवि बने। इसके द्वारा विरुद्ध छतहरी नामक रचना की गई। क्या? विरुद्ध छतहरी नामक रचना इसके द्वारा लिखी गई। और कहा जाता है कि सुल्तान देवड़ा को कहा जाता है 52 लड़ाइयां की थी। सुल्तान देवड़ा ने अपने जीवन काल में 52 लड़ाइयों की थी और जिनमें से कई सारी में विजय प्राप्त की थी। अपने जीवन काल में सुल्तान देवड़ा के बारे में 52 लड़ाइयां लड़ी थी और 52 लड़ाइयों में विजय प्राप्त की सुल्तान देवड़ा। और बातें करें प्यारे दोस्तों, इन्होंने मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन को 2 वर्ष तक, जो मारवाड़ का शासक था राव चंद्रसेन और राव चंद्रसेन के पश्चात प्यारे दोस्तों क्या कंडीशन होती है, जब अकबर के विरुद्ध वो भी संघर्ष कर रहा था, संघर्ष करने के दौरान 2 वर्ष तक सुल्तान देवड़ा ने मारवाड़ के राव चंद्रसेन को 2 वर्ष तक अपने साथ रखा, 2 वर्ष तक शरण दी। और कहा जाता है किसी 2 वर्ष तक अपने पास रखता है इसको सुल्तान देवड़ा को राव चंद्रसेन, जिसे प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, भुला बिसरा राजा कहा जाता है, प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। किसको? राव चंद्रसेन, ये कहा जाता है राव चंद्रसेन प्रताप के राज्याभिषेक के विभाग लेते हैं। राज्याभिषेक तो कहा जाता है प्यारे दोस्तों कि जब उदय सिंह की मृत्यु होती है 28 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक, वैसे तो वहाँ शमशान के पास ही एक बावड़ी स्थित है, महादेव की बावड़ी नामक स्थान पर मेवाड़ सरदारों द्वारा कर दिया जाता है, लेकिन पुनः राज्याभिषेक उत्सव मनाया जाता है उसमें। ये राव चंद्रसेन भाग लेते हैं, कौन भाग लेने आता है? राव चंद्रसेन भाग लेता है महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक। ठीक है, चलो खैर बात करते हैं आगे। इसके बाद जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों, राव राज सिंह शासक बनता है। कौन शासक बनता है? राव राज सिंह शासक बनता है। और राज सिंह ज्यादा विशेष रूप से कोई जानकारी विशेष नहीं मिलती प्यारे दोस्तों, राज सिंह शासक बनता है। और राज सिंह अपने ही छोटे भाई सूर सिंह ने 1621 में धोखे से मार डाले, इसका राव राज सिंह को का छोटा भाई था वो धोखे से मार देता है। मार देने के पश्चात यहाँ पर शासक स्थापित कर लेता है, शासन स्थापित कर लेता है। क्या कंडीशन होती है? इसके बाद जो बनता है अखे सिंह शासक बनता है। इसके पश्चात कौन सा शासक बनता है भाई? अखे सिंह सिरोही की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, कौन बनता है? अखे सिंह। इस समय बात की जाती है कि प्यारे दोस्तों कि इसको यहां के सरदारों ने सिरोही की गद्दी पर बैठाया, और इस समय मेवाड़ के महाराजा जगत सिंह प्रथम थे। क्या? मेवाड़ के महाराजा कौन थे? जगत सिंह प्रथम थे। जगत सिंह की सेना ने किसके ऊपर आक्रमण किया था? अखे सिंह की के ऊपर। की बात करें प्यारे दोस्तों, अखे सिंह कौन शासक बन गया यहाँ का? अखे सिंह शासक बन जाता है। और अखे सिंह के ऊपर कहा जाता है इस समय मेवाड़ का शासक हुआ करता था, कौन हुआ करता था? मेवाड़ का शासक था राज सिंह। कौन था? राज सिंह। और राज सिंह की सेना ने किसके ऊपर आक्रमण किया था भाई? सिरोही के ऊपर आक्रमण किया था। राज सिंह ने सिरोही के ऊपर आक्रमण किया। किसके ऊपर? सिरोही के ऊपर आक्रमण किया। और सिरोही में कई लूटपाट मचाई। क्या की? लूटपाट मचाई। किसने? अखे सिंह। इसने जगत सिंह की सेना ने। जगत सिंह मेवाड़ का शासक था, मेवाड़ का सरदार, मेवाड़ का शासक था। इसकी सेना कहां पर? सिरोही के ऊपर आक्रमण करती है। आक्रमण करने के पश्चात इसके ऊपर लूटपाट मचाती है। और लूटपाट मचाने के पश्चात प्यारे दोस्तों इसमें काफी ऊटपाट मचाती है, लेकिन कहा जाता है कुछ समय पश्चात जगत सिंह साथ मित्रता कर ली। और मित्रता करने के पश्चात इनके संबंध अच्छे हो गए। अच्छे हो जाने के पश्चात फिर क्या कंडीशन होती है प्यारे दोस्तों? अखे राज सेकंड का पुत्र उदयभान अपने पिता को कैद में डालकर, अखे राज सेकंड था ये, अखे सिंह सेकंड, अखे सिंह सेकंड था भाई,
इसका पुत्र था उदयभान। इसका पुत्र कौन था भाई? इसका पुत्र था उदयभान। कौन? उदयभान। इसको क्या करता है, इस मित्रता के चलते हुए क्या करता है, इससे नाराज होता है और अखे सिंह को क्या कैद में डाल देता है। क्या कर देता है? कैद में डाल देता है। क्या कर देता है? कैद में डाल देता है, डाल देता है, ठीक है, कैद में डाल देता है। किसको? अखे सिंह को कैद में डाल दिया जाता है और कैद में डाल देने के पश्चात कुछ शासक बनने की चेष्टा करता है और उदयभान शासक बन जाता है। कौन शासक बनता है? उदयभान चौहान शासक बन जाता है। अखे राज के बाद, अखे सिंह के बाद कौन शासक बन जाता है? उदय सिंह। अब कंडीशन क्या है कि ये अपने पिता को उदय भान जो है अपने पिता को कैद में डालकर शासक बनाता। उदय भान अपने पिता अखे सिंह को क्या सेकंड को कैद में डालकर शासक बनाता। प्यारे दोस्तों, या अखिराज को कैद में डालकर शासक बनाता। कुछ समय पश्चात क्या होता है कि मेवाड़ का जो राज सिंह है, मेवाड़ के राज सिंह से उसकी मित्रता थी, मित्रता कर ली थी उसने। मेवाड़ का राज सिंह इसके ऊपर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के पश्चात अखिराज को या अखे सिंह को छुड़वाता है। अखिराज छुड़वाने के पश्चात इसके ऊपर आक्रमण करता है और पुनः शासक बन जाता है। कौन? अखे राज या अखे सिंह पुनः शासक बन जाता है। कहां का? अखे सिंह पुनः शासक बना। ठीक है, और ये उदयभान यहां से भाग जाता है। यहां से क्या करता है उदय सिंह? उदयभान यहां से भाग गया तो कहा जाता है इसको बाद में उदयभान को अखेराज कौन मरवा देता है। इसको अखेराज अपने पुत्र को मरवा देता है, उदयभान को मरवा देता है। मरवा देने के पश्चात पर दोस्तों वापस पुनः ये स्वतंत्र रूप। इसके बाद क्या कंडीशन होती है कि अखेभान का पुत्र उदयभान को मरवा देने के पश्चात इसके बाद महाराव मानसिंह शासक बनता है। कौन बनता है? इसके बाद महाराव मानसिंह शासक बनता है। पर महाराव मानसिंह शासक बनने के पश्चात क्या कंडीशन होती है देखिएगा प्यारे दोस्तों। 1705 की बात कर रहे हैं, सिरोही का राजा बना। इसने सिरोही में लोहे की तलवारें चलाई, कच्चे लोहे की तलवारों पर बेन लगा दिया। कौन? महाराव मानसिंह। किसकी बात करें? मानसिंह शासक बनता है। मानसिंह शासक बना 1705 में, सिरोही का राजा बना। और 1705 में कब बना भाई? 1705 में सिरोही का राजा बना। और 1705 में राजा बनने के पश्चात इसने क्या किया सिरोही में? कहां पर प्यारे दोस्तों? सिरोही में कच्चे लोहे की तलवारों पर बेन लगा दिया। बंद कर दी इसको। क्या की? बंद कर दी, तलवारों को बंद कर दिया, अर्थात बेन लगा दिया। इसने तलवारों को निर्माण कार्य पर बंद करवा दिया। इसने मानसिंह ने कच्चे लोहे की तलवारों पर बेन लगा दिया, यानी कि बंद करवा दी, और यहां पर उनके स्थान पर पक्के लोहे की तलवारों का निर्माण किया जाने लगा। क्या? बेन लगा दिया और इनके स्थान पर पक्के लोहे की तलवारों का निर्माण करवाया गया। ठीक है, पक्के लोहे की तलवारों का पुनः निर्माण करवाता है। और इसके बाद कहा जाता है कि यहां पर अच्छी तलवारें के कारण सिरोही को पूरे देश में प्रसिद्ध माना जाता है। अच्छी तलवारों के कारण सिरोही को पूरे देश में प्रसिद्ध माना जाता है और यहाँ की तलवारें फेमस, सिरोही की तलवारें काफी फेमस है पूरे देश में। कहा जाता है कि यहाँ से लेने आया करते थे राजा महाराजाओं के जमाने में, तलवारें यहाँ की खूब बिकती थी और सिरोही की तलवारें प्रसिद्ध। पश्चात बात करें प्यारे दोस्तों तो इसके बाद जो है मानसिंह के बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पर बैरीसाल शासक बनता है। और बैरीसाल के बाद कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती प्यारे दोस्तों। उदयभान चौहान यहाँ का शासक बनता है। कौन बनता है? इसके बाद उदयभान चौहान शासक बनता है
और उदयभान चौहान भी क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसके इसका ध्यान ऐश और आराम पे अधिक था। उदयभान का कार्य किस पे? ऐश और आराम पे अधिक था, यश क्रिया करता था और ऐश और आराम पे अधिक ध्यान होने के कारण इसने सिरोही के ऊपर ध्यान नहीं दिया और सिरोही का जो शासन है प्यारे दोस्तों धीरे धीरे गर्त में जाता गया, धीरे धीरे बिगड़ने लगा, वहां का प्रशासन टूटने लगा, इस तरीके से एकदम खत्म सा हो गया। और कहा जाता है अंत में जो बात करें प्यारे दोस्तों, शिव सिंह चौहान शासक बनता है अंत में कुछ समय पश्चात, यहाँ पर जो है कौन बनता है, शिव सिंह शासक बनता है, शिव सिंह चौहान शासक बनता है। और शिव सिंह चौहान के समय बात करें तो कहा जाता है इसके बाद 11 शिव सिंह और शिव सिंह के समय आपको पता है प्यारे दोस्तों, इसी के समय प्यारे दोस्तों क्या कंडीशन होती है, इसके समय ये कंडीशन होती है कि अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली जाए, अंग्रेजों से सहायक संधि, पहले तो अंग्रेजों से ये सहायक संधि करते क्योंकि इसे मारवाड़ का भाग घोषित कर दिया जाता है। मारवाड़ का जो मानसिंह गया था तो वो कहकर आ जाता है अंग्रेजों से, ये तो सिरोही तो मारवाड़ का ही भाग है, काफी टाइम तक ये करते हैं, लेकिन 11 सितंबर 1823 को अंग्रेजों से सहायक संधि कर लेती है, 11 सितंबर 1823 को अंग्रेजों से सहायक संधि, अंग्रेजों से सहायक संधि की, संधि अंग्रेजों से सहायक संधि की, और अंग्रेजों से सहायक संधि कर लेने के पश्चात प्यारे दोस्तों 1 नवंबर 1956 को कहा जाता है कि इसे सिरोही को, वैसे तो सिरोही को आबू दिलवाड़ा को छोड़कर तो पहले ही इसमें मिला लिया जाता है, राजस्थान में, लेकिन आबू और दिलवाड़ा को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण रूप से हिस्सा बना लिया जाता है। तो ये यहाँ का इतिहास समाप्त होता है प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों, जय हिंद जय भारत।